आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू डू अ पेमेंट इन डार्क वेब। शुद्ध और सरल भाषा में कुछ चीजें डार्क वेब से कैसे खरीदा जाता है। ये तो कोई और स्क्रिप्ट है। डार्क वेब सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट इन डार्क वेब और डॉट ऑनियन डोमेन का एक वेबसाइट टॉर में कैसे होस्ट किया जाता है, वो भी कम्प्लीटली फ्री। और इसी की वजह से डार्क वेब को सेफ नहीं माना जाता है ड्यू टू दिस रीजन। एक तरीके से वीडियो में मैं आगे पूरा समझाऊंगा आपको, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में थोड़ा ज्ञान ले जाओ। पीसी स्क्रीन में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ करने का मन करता है सो डू एट योर ओन रिस्क एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। सो ओके, वी आर ऑन अवर पीसी स्क्रीन। सो सबसे पहले चीज़, दो चीज़ें आपको चाहिए वेबसाइट होस्ट कराने के लिए, डार्क वेब या टॉर या फिर डार्क वेब पे होस्ट कराने के लिए। सबसे पहले चीज़ तो आपको टॉर ब्राउजर, ऑफकोर्स वो टॉर ब्राउजर चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ ऐसा चलता है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है, मतलब पीसी आपका जब तक ऑन है तब तक ये वेबसाइट लाइव रहेगा। जैसे आपका पीसी शट डाउन होगा एरर आ जाए, मतलब 404 आ जाएगा। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, दो चीजें आपको चाहिए, एक तो टॉर ब्राउजर और ऑनियन शेयर करके एक एप्लीकेशन आता है, वो आपको डाउनलोड करना है। टेल्स के ऊपर भी आऊंगा, टेल्स के अंदर तो एक्चुअली ये दोनों चीजें इनबिल्ट आते हैं, मतलब यूएसबी के अंदर से भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको टॉर तो डाउनलोड करना ही है, torproject.org करके कुछ है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, आप एक्चुअली टेल्स के अंदर भी कर सकते हो। टेल्स के अंदर इनबिल्ट ये दोनों चीजें आ जाते हैं, ऑनियन शेयर और टॉर ब्राउजर दोनों आ जाते हैं, और डायरेक्टली आप उससे होस्ट करवा सकते हो और वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। सो मैंने टॉर पहले से डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद आपको चाहिए ऑनियन शेयर करके एक एप्लीकेशन, आपको बेसिकली डाउनलोड मार लेना है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। वैसे भी मैं आपको पर्सनल ड्राइव का लिंक और वेबसाइट का लिंक दोनों मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद कुछ नहीं, आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले क्या ही चाहिए, HTML, CSS और JavaScript। तो मैंने बेसिकली HTML के साथ एक छोटा सा सैंपल के लिए एक वेबसाइट बनाया हुआ है, वैसे भी कॉलेज का प्रोजेक्ट था, वही यूज करने वाला हूँ। बस इतना है कि मैं डायरेक्टली टॉर के अंदर होस्ट करवा, तो एक बार दिखा देता हूँ आपको। ओके, हियर वी गो। एक छोटा सा सिंपल सा मैंने एक वेबसाइट सिर्फ HTML को यूज करते हुए बनाया है, क्योंकि अभी के टाइम पे यार कोई भी HTML सबको ऑलमोस्ट सबको आता ही होगा। जो तो फिर सबके ऊपर कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ, एक कुछ ऐसा दिखता है, अमेरिकन मसल कार, जो भी है, डॉज फॉर्ड जो भी है, ये सब चीज़ें, और कार और बाइक्स की थोड़ी लिस्टिंग, जो फाइल जहाँ पे भी सेव है उसको रखना है, रेडी रखना है। ऑनियन शेयर आपको खोल लेना है। सो अपना जो ऑनियन शेयर है वो कुछ इस तरीके से लगता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो चैट करने के लिए, मतलब जो भी अपने व्हाट्सएप चैट जैसा ही समझ लो। फिर दूसरा एक ऑप्शन है होस्ट अ वेबसाइट, मैं उल्टा जा रहा हूँ। सो होस्ट अ वेबसाइट जो हम अभी करने वाले हैं, और शेयर अ फाइल, रिसीव अ फाइल अनोनिमसली, और इसके अंदर सिर्फ चैट होगा। तो हमें जाना है होस्ट अ वेबसाइट के अंदर जाना है, और इधर अपना जो भी फाइल है, जो भी वेबसाइट का फाइल है, वो सब इधर अपलोड मार लेना है। सो मेरा जो फाइल है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इधर, दैट्स इट, इतना ही है अपना काम। और अभी आपको एक और चीज ध्यान रखना है, 4 आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे, दिस इज अ पब्लिक ऑनियन शेयर सर्विस करके एक नीचे ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना। अगर नहीं क्लिक करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा की मिलेगा, जो डालने के बाद ही आप वो वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हो। चार्ट शेयरिंग पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, और अपना जो मतलब साइट है वो अभी ऑनलाइन है, और ये है अपना URL, और ऑफ कोर्स ये URL का कोई मीनिंग बनता नहीं है, डॉट ऑनियन डोमेन आया है, और ये सिर्फ टॉर के अंदर ही खुलेगा। कॉपी एड्रेस कर लेता हूँ, या फिर शो QR कोड करने से क्या होता है कि आप फोन के अंदर भी यही सेम वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मैंने कॉपी कर लिया एक्चुअली, और ये अपना जो टॉर है इसके अंदर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ओके, हियर वी गो। अपना जो चल रहा है, जो अभी ये जो साइट है, ये अपना ऑनलाइन है। बस सिंपल सा प्रोसेस था, ऐसे कोई भी बना सकता है साइट को, ऐसा बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा उठ के बना सकता है कोई भी साइट, और आपको लिंक्स मिल सकता है। सो अगर कोई चीज आप ट्रस्टेड बोल के, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, आईफोन भाई 20,000 रुपये में मिल रहा है, 10,000 रुपये में मिल रहा है, 30,000 रुपये में मिल रहा है, तो ये देख के कोई भी ऐसे वेबसाइट से, अगर डार्क वेब या फिर डीप वेब जो भी है, मतलब टॉर में से अगर आप उठा रहे हो, सो इट विल बी लाइक आपका कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली, बहुत सारी चीज़ें ट्रस्टेबल भी है इसके अंदर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इस वीडियो नहीं, कोई और वीडियो पे। सो दिस इज द रीजन डार्क वेब इज मेंट टू बी नॉट अ सेफ प्लेस टू ट्रस्ट। कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी बोल रहा हूँ। सो हाँ, इस वाले वीडियो के लिए बस इतना था। अपने टेक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने टॉर या डार्क वेब को एक्सप्लोर नहीं किया है तो यूज कर लो, अगर कॉन्फिडेंस है तो। और अभी तक आप लोगों ने डार्क वेब सीरीज नहीं देखा है, देख लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बन रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन बाय।